आ गई आ गई. What the fuck रुद्राक्ष. Hi. ये क्या है? Yeah, I was just saying. What तुमने इस काम के लिए मुझे लिया? साले तेरी. हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. तो यार, आपको और भी अच्छा करने लेके ये आपकी रेड से बहुत ही धमाकेदार वीडियो. सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना यार, मैं आपको बता दूँ, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. तो इन्होंने यार ये बोला है मुझे, यार तू सब पे प्रैंक करती है, माँ बहन भाई क्या क्या सब पे प्रैंक कर डाले हैं यार, सबका काट दिया. तो यार इसने मुझे ना चैलेंज किया कि तू एक काम कर, मेरी बंदी पे प्रैंक करके दिखा दे, तो मैं मान जाऊँगा तू सच में रियल में ना एक प्रैंकस्टर है. तो यार मैंने इसका चैलेंज कर लिया एक्सेप्ट, और आज हम क्या करने वाले हैं, इसी की बंदी पे प्रैंक की हमने शादी वादी कर लिया है, तो फेक मैरिज करके बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में. तो आपको पता ही है यार, अगर कोई सीरियसली शादी कर लेता है तो उसकी बंदी पे क्या बीतेगी. तो रिएक्शन वो बहुत ही फाड़ आने वाले हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती, और स्टोरी बहुत अच्छी है. तो वीडियो को स्किप मत करना. अब एक काम करते हैं, वो बंदी है ना जो इसकी, वो यहीं पे रहती है, ठीक है, ऑफिस उसका यहीं पे है, और उसका लंच ब्रेक भी होने वाला है, तो यार उसको मिलने के लिए बुलाना ही है, वरना प्रैंक सक्सेसफुल कहाँ से होगा. तो यार आप एक काम करो, कॉल लगा उसको और पूछ कहाँ है, कहाँ नहीं, कितनी देर में आएगी, मान जाएगा ना कर दिया तो प्रैंक. Obviously. स्पीकर पे रख, स्पीकर पे. हेलो ख्याति, बेबी मैं यहाँ पर हूँ सीपी में, गेट नंबर, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 7 के बाहर पार्क में. सो आप अभी मेरे से मिलने आ सकते हो? यार मेरा भी ऑफिस है, मैं 10 मिनट बाद मिलूँ, मेरा लंच ब्रेक हो जाएगा, तो मैं तुमसे मिल लूँगी. यार कोई इशू नहीं है बेबी, मुझे बस आपसे मिलना है, मुझे सिर्फ आपसे 5 मिनट बात करनी है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ जल्दी. बात है क्या? हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ और डेथ का मामला है. तो यार बंदी आने को तैयार हो चुकी है, और बहुत मजा आने वाला वीडियो में. चलो 10 मिनट वेट करते हैं, थोड़ा फील ले लेते हैं कि सच में शादी हो गई है. वैसे मैं अच्छी लग रही हूँ ना, कमेंट करके बता देना मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं, ठीक है, वेट करते हैं 5-10 मिनट. तो आज तो फिर बंदी का कटने वाला है. देखते हैं क्या बोलती है, मुझे तो लग रहा है मार देगी आज. मार देगी यार, मारेगी तो सही. यार कितने साल हो गए थे रिलेशनशिप को तुम्हारे? अराउंड आज अभी क्या चल रहा है, 5 to 6 years. 6 years, 6 साल का रिलेशनशिप, और पता लगे ऐसे बंदा बंदी अलग से एक शादी करके आ गया तो क्या बीतेगी, पता है, समझ ही सकते हो यार. तो वेट करते हैं यार 10 मिनट 15 मिनट. तो गाइस एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसा कि आजकल हर कोई सोच रहा है कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप कम समय में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो यार, तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है फोराबेट. तो इससे आप घर बैठे बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो. तो इससे पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं भी इससे बहुत सारे पैसे कमा रही हूँ, मेरे एक फ्रेंड ने रिकमेंड की थी. तो गाइस इस जो फोराबेट की वेबसाइट है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कैसीनो है, इससे मैं आपको एक बार रियल में खेल के दिखा देती हूँ किस तरीके से आप भी पैसे कमा सकते हैं. चलो एक बार स्टार्ट करते हैं हम. चलो इसको सबसे पहले स्पिन करेंगे. यस यस यस, डन. तो गाइस मैं जीत चुकी हूँ, एक बार और चलो स्पिन करते हैं. तो मैंने दोबारा स्पिन किया, ओ यस. तो गाइस 5800 रुपीज़ में से जीत चुकी हूँ, चलो एक बार और स्पिन करते हैं. ओ यस, तो गाइस पूरे 25,000 में से जीत चुकी हूँ. तो मेरी तरह आप भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, कितना आसान है यार, जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे हो. तो गाइस कितने कम समय में कितने सारे पैसे कमा लिए. तो यार ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त इस कैसीनो के थ्रू बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं. और गाइस इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने जीते हुए पैसे को आप इजीली विड्रॉल कर सकते हो. यार मैं भी डेली अपने पैसे विड्रॉल कर लेती हूँ, तो फिर किस देर किस बात की है ना, कमाल की वेबसाइट. आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पैसा बट रहा है यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फोराबेट का, जाकर इसको चेकआउट करो, अर्न करो, बहुत सारा पैसा कमाओ. आ गई आ गई. व्हाट द फक रुद्राक्ष. हाय. ये क्या है? या आई वाज जस्ट. व्हाट, तुमने इस काम के लिए मुझे यहाँ पे, साले तेरी, तूने इस काम के लिए मुझे यहाँ पे बुलाया? ये लड़की है कौन? ये है कौन तू बे? हैं अबे यार, क्या 5 साल का रिलेशन तूने ऐसे ही तोड़ दिया? इस फोन के लिए तुझे मुझे इतना जरूरी काम कर रही थी, साले मुझे धोखा दिया तूने. अब मैं तुझे बताऊं साले, मदर यार तुमने हमारी शादी की माला तोड़ दी. ये क्या है? तू तो चुप ही रह, तू होती कौन है मेरे हस्बैंड से बात करने वाली? बड़ी शादी नहीं हुई अभी तुम्हारी भाई, शादी नहीं हुई. एक्सक्यूज मी, शादी हमारी हुई है शादी यार, और मेरे पति को छोड़ूंगी नहीं भाई, वो तेरा बंदा. ये मेरे साथ किया तूने? मेरे साथ ऐसा किया? मैं तुम्हारा बंदा? 5 साल तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मुझे धोखा दिया है. मैंने कोई धोखा नहीं दिया. तू पछताएगा मेरे, तू पछताएगा यार. सुनो सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, रिलैक्स मेरी बात सुनो यार. ख्याति लिसन टू मी फर्स्ट.
जस्ट एक बार बात तो सुनो, देखो मुझे पता है तुम रिलेशनशिप में हो, बोल दी चुप रहे, एक बार बात तो सुनो यार, छह साल से रिले भाई तू कौन होती है, मेरा बंदा है ये, मेरा हस्बैंड है, वो क्या वो रिंग तुझे तूने मुझे पहनाई थी, वो क्या सब झूठा, सब झूठा, मैंने घर पे शादी की बात कर ली तेरे बारे में और तू मुझे धोखा दे रहा है यार, सुनो अच्छा सुन, मेरे तूने ऐसा किया ना तो तू मुझे नहीं जानता साले, तू औकात पे आ गया ना, तू इसे बता दो कि एक मिनट इसको बता दो कि किस लिए तुमने इससे शादी नहीं करी यार, क्यों तुम मेरे लायक ही नहीं, इतनी तुम यार उसे शॉपिंग करा दो, इतनी डिमांड, तूने क्या मतलब तूने मुझे घंटा समझ रखा है, मंदिर का जवाया बजाया चला गया, यार मेरी बात सुनो, गाली गलौज मत करो, तुम्हारा बंदा था लेकिन अब मेरा पति है, पति है, दूसरा वाइफ लेके आ गया, मुझसे कह रहे गाली ना, यार हम प्यार करते थे एक दूसरे से, मैंने बात कर ली थी अपने मम्मी पापा से शादी की, तेरे से शादी करने के लिए, और तू ऐसा कर रहा है मेरे साथ, तुमने कुछ बात नहीं करी थी, मैंने कल ही देखा था, मैंने कल ही देखा था, मैंने तुम्हारे मैसेजेस पढ़े, चाह रहा है कि मेरा मेरा प्यार तो रियली फेक है, इसीलिए हमने शादी कर ली ना, पति है यार मेरा, तुझे मुझे बोलना चाहिए था ना, हमारे बीच 5 साल से धोखा चल रहा था, तू मुझे इतना नहीं जानता, तू मुझसे बात कर सकता था इस बारे में, मैं पिस्ड ऑफ हो चुका था, तूने मुझे बोला साले, तूने मुझे ओ हेलो इज्जत की माँ बहन ना कर, ठीक है तो बोलो ही नहीं, इज्जत की मेरी बात सुन यार, इज्जत की माँ बहन मत कर, ठीक है तू तक बसा बसा घर तोड़ा है, मैंने नहीं तोड़ा, तेरे बंदे को संभाल के रखती समझी, तुझे अपने बंदे को संभाल के रखना चाहिए था, तू चुप रही है, तेरी डिमांडिंग बीच में बोलने वाली चीज है भाई, मतलब मुंह काला करके आया है कहीं से, जिंदगी मत ही मारी गई है मेरी, तुम रिलैक्स प्यार किया, देखो इज्जत से बात कर रही हूँ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है मैं नहीं रिलैक्स, माँ बहन की इज्जत करो लेकिन इज्जत की माँ बहन मत कर यार, मेरी बात सुन, तो फिर अब तेरे बंदे को तो संभाल के रखती ना, शॉपिंग कराओ, डिमांडिंग इतनी क्यों, अपने बंदे को इतना, साली तूने ये ड्रेस पहनाई, ये ऐसे कपड़ों में देख लिया अगर तभी तुझे पसंद आ गई है ना, वो मुझसे प्यार करता है, हम 3 महीने से डेट कर रहे हैं दूसरे को, 5 साल तू मुझे धोखा दे रहा है, वो प्यार नहीं था 5 साल पहले बोल देता, जो अमित के साथ तुम्हारे मैसेजेस थे कौन, नाइट आउट के जो तुमने मुझे बताया, मेरा दोस्त है वो दोस्त, नाइट आउट और मुझे बिना बताए, बेबी हम इसे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं यार, जैसे जाते नहीं साला, हम इसे एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने ही बोला था, अरे तुमने ही बोला था इसको बताने के लिए, बुलाओ इसको वरना ये लायक नहीं इसे बताने के, यार बताने भी नहीं वाले थे हम, तू कह रहा है ना मुझसे, तेरी दोस्त भी मुझे तेरे बारे में बोलती थी ऐसे वैसे, पर मैंने तुझ पर ट्रस्ट किया, तू मुझ पर नहीं ट्रस्ट कर सकता था, किस चीज के लिए, मेरे पति बोले गए, बताता तो था ना, मैं तो इसे बताती नहीं थी, मैं तो छुपाती हूं, हां हां तुम मतलब तुम मेरा फोन चेक करता था साले, तो तुम मेरा फोन चेक करते, मैंने कब तेरा फोन चेक कर लिया, डार्लिंग चलो ना यार, क्या इसके पीछे, हाँ जाओ, टाइम बर्बाद नहीं चाहिए, और सुनो मेरे पति से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, समझी, हाँ मैं इज्जत जब तक कर रही हूँ ना तब तक ठीक है, ठीक है बोल रही, अबे यार छोड़ तू लायक नहीं है, तेरी बदतमीजी से पता चल रहा है कितना प्यार करती है तू उससे, दिख रहा है ना, प्यार में खुशी देखी जाती है, प्यार में खुशी देखी जाती है, वो मेरे साथ खुश है तो बात खत्म, बताऊंगी मैं तुझे, ओके बाय, एंजॉय योर लाइफ, गाली दे रही थी इसे भी गाली दे रही थी, अब रोने लग गई, अब रोने की क्या बात है इसमें, हेलो तो मुझे धोखा दिया, मैं तुझे ऐसे नहीं छोडूंगी, बहुत हो गया, नहीं यार क्यों मेरे पास आ रहा है, मुझे छूना भी नहीं है अब तुझे, एक बार सुन, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, छू मत मुझे, अच्छा मैं, तो मेरी बात, मैं सिर्फ इसकी दोस्त हूँ और मेरा YouTube पे चैनल है जो तुम्हें पता नहीं था, और आज इसने तुमसे मिलवाने के लिए मुझे कॉल किया था, तो इसने बोला यार अपनी बंदी पे जरा प्रैंक कर दे यार, तो कैसा लगता है उसको देखते हैं, तो मैं तुझे मान जाऊंगा, तो सच में रियल में प्रैंक स्टार है, तो मेरा YouTube पे चैनल है, हाँ मेरा फ्रेंड, अरे यार शी इज माय फ्रेंड, ये मैं ये प्रैंकस्टर है, ये मुझे बहुत टाइम से जानती है,
जब से हम लोग कॉलेज में थे, और मैंने इससे कहा कि चल मेरी एक बंदी है यार, छः साल से रिलेशनशिप है, देखते हैं वो क्या रिएक्शन करती है, क्या बोलती है। अगर ऐसा होता तो ऐसा होता है। सॉरी यार, हमारी इंटेंशन जस्ट अ प्रैंक। I'm so sorry यार, intentionally hurt नहीं करना चाहते तुम्हें। चलो तू मुझे बात तो कर सकता था, ऐसे मजाक यार, मैं तो टेंशन में आ गई। तो बात करने में रिएक्शन पता चलता क्या? नहीं ना। अच्छा देखो, कैमरा भी लगा हुआ है सामने, वो देखो, हाय कर दो पहले तो। हाय। सॉरी यार, इंटेंशन नहीं थी इसे हर्ट करने की, लेकिन वही है ना, प्रैंकस्टार तो किसी के सगे नहीं होते, सब पे माँ बहन सब पे प्रैंक कर ही देते। आप जल्दी से बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो यार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। यार आपको पता ही है, इतने बड़े बड़े रिस्क लेती है आपकी रेट्स प्रैंक में, यार गाली भी सुन लेती है, थप्पड़ भी खा लेती है। तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो यार, थोड़ी तो मेहनत का फल मिले ना। और इतने अच्छे अच्छे प्रैंक्स लेके आ रहे हो, कमेंट करके बता सकते हो आपको किस तरीके के प्रैंक्स पसंद है। और यार आपको बता दूं मैं एक बात, मुझे ये ज़रूर बता देना मैं लग कैसे रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी यार इस वीडियो में, गाली भी खाई है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अभी आपकी रिट्स को बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए आप लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और आती रहेगी, हम भी हंसते रहेंगे और आपको भी साथ रहेगी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।